हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और आप देख रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक होगा हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम लोग कैसे करें, किस विधि से करें जिससे कि बहुत जल्द ही समय में हम लोग गवर्नमेंट जॉब पा सके। ठीक है, तो इसी बात पर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का मोटिवेशन यानी किस प्रकार का हम लोग शेड्यूल तैयार करें जिससे कि बहुत जल्द ही जो है गवर्नमेंट जॉब हम लोग पा सके। तो आइए चलते देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले एक मोटिवेशनल यानी शेड्यूल तैयार करनी होगी। और शेड्यूल क्या तैयार करनी होगी, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि शेड्यूल तैयार करने के लिए कि आप सबसे पहले एक चीज सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है, यानी किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज सेलेक्ट करनी ही होगी, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो भी होती है उसमें आप जाने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि एक पैनल तैयार करना होगा। ठीक है, और पैनल किस टाइप का होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ड्रॉ में कि एक पैनल होगा जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोग तो जीके जीएस की तैयारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, मैथ रीजनिंग की तैयारी तो परफेक्ट कर लेते हैं कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके या फिर घर पे। ठीक है, बहुत सारे बुक्स होते हैं जैसे कि आर एस अग्रवाल होते हैं, सागिर अहमद होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, उनको लेकर तो तैयारी कर लेते हैं मैथ। ठीक है, हार्ड से हार्ड मैथ जो है सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मुद्दा कहाँ आकर रुक जाती है, जीके जीएस पे। ठीक है, जीके जीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है फ्रेंड्स कि आप इसको जितना भी पढ़िए वो कम ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि कोई बंदा मैथ रीजनिंग का तैयारी खूब करता है, लेकिन वहां जब जीके जीएस की बारी आती है तो जीके जीएस अगर आपके प्रश्न में अगर 30 जीके जीएस भी रहता है तो उनसे जो है 10% भी नहीं बन पाता, 20% भी नहीं बनता। ठीक है, तो आपको जॉब प्राप्त करने के लिए, पूरे होल स्थिति में जॉब प्राप्त करने के लिए जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। ठीक है, और जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसा कि आपके जो है मॉनिटर पर शो कर रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जॉब पाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एकाग्रता प्लस आत्मविश्वास प्लस लगन मेहनत, तब जाकर बराबर के रूप में आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात चर्चा करते हैं एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। ठीक है, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन माई माइंड। ठीक है, अब देखिएगा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सबसे एक फंडा है। ठीक है, कि सबसे पहले टारगेट बनाइए और टारगेट बनाने के बाद उस टारगेट पर फोकस कीजिए। ठीक है, जैसे आप सपोज मान लेते हैं कि आपका जो फेवरेट है मैथ्स है, या फिर किन्हीं का फेवरेट रीजनिंग होता है या फिर जीके जीएस होता है, तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जो बंदे जो है मैथ्स ज्यादा बनाते हैं यानी हार्ड से हार्ड मैथ बना लेंगे, ठीक है, हार्ड से हार्ड रीजनिंग बना लेंगे, सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन उनसे क्या होता है कि जीके जीएस याद नहीं हो पाते। ठीक है, तो जब जीके जीएस आपसे याद नहीं हो पाता तो आप तो यहाँ पर मैथ्स पूरा बना लिए, रीजनिंग पूरा बना लिए, लेकिन जब जीके जीएस की स्थिति आ जाती है तो वहां पर आप फ्लप कर जाते हैं। तो क्या आपको मेन एग्जाम्स क्लियर हो पाएगा, नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक शेड्यूल तैयार करना है। ठीक है, कि आप कभी भी पढ़िए तो मिनिमम एक टारगेट रखा गया है पढ़ाई के लिए कि मिनिमम आपको जो है 6 आवर पढ़ना ही होगा, 6 घंटे आपको लेकर चलना ही होगा। ठीक है, एक पैनल तैयार कीजिए कि 2 घंटे मैथ्स पढ़े या फिर 1 घंटे रीजनिंग पढ़े या फिर 2 से 3 घंटे जीके जीएस पढ़े, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा उतना जल्दी आप जॉब प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात है आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कभी भी आप आत्मविश्वास को लेकर चिंतित मत हो। ठीक है, हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट भी हो गया, ठीक है,
फिजिकल भी हो गया, सब चीज हो गया, और लास्ट में जब आपका मेरिट लगने की बारी आई तो पॉइंट से या फिर एक दो नंबर से आपका मेरिट हट गया, तो वहां पर आपका माइंड जो है डिमोटिवेट हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अब लगता है हमसे जॉब नहीं हो पाएगा। नहीं, कभी भी ऐसा भूल कभी मत कीजिएगा, आप आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, और बस एक सिलेक्ट कीजिए कि नहीं इस बार जो है अगले साल जो है हमें इस सेक्टर में जॉब भेजी देना है, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। क्योंकि अभी जो जॉब की स्थिति इतनी गंभीर है, ठीक है, एक एक वैकेंसी पर बहुत ज्यादा जो है लड़के जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब उनको क्लियर करने के लिए आपको उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक लड़का है यहाँ पर रोहन और एक लड़का संजीव है, तो रोहन जो है हर एक घंटे जो है 6 से 7 घंटे लेबर करता है और संजीव जो है हर एक घंटे जो है 3 से 4 घंटे लेबर करता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये जो बंदा है सेलेक्टेड क्वेश्चन जो विगत आने वाले परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन संजीव जो है कि कोई भी क्वेश्चन को उठाता है और डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आप ही लोग बताइए कौन कौन ज्यादा सक्सेस करेगा, तो सक्सेस करेगा रोहन, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करता है। तो बस मेरा यही कहना था फ्रेंड्स कि सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी आने वाले जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 4 पैनल था, ठीक है, जीके जीएस था, यहाँ पर आपका मैथ था, यहाँ पर आपका रीजनिंग था और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। तो 4 पैनल होता है, ये 4ों पैनल पर आप लोग गंभीर रूप से अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम दीजिएगा रोज रेगुलर, ठीक है, कंटिन्यू, तो आप जब बहुत जल्दी जो है सक्सेस कीजिएगा। और देखिए जैसे जीके जीएस तो किन्हीं का होता है कि शुरुआती यानी स्टार्टिंग वैसे बंदे जो कि 10+2 करके निकले हैं स्टार्टिंग पीरियड से, तो इनको जो है जब जीके जीएस का होमवर्क मिलता है या फिर जीके जीएस में कदम रखते हैं ना, तो इनको प्रॉब्लम होगी ही होगी, शुरू शुरू याद नहीं होगा। तो क्या होता है कि इसके बाद कभी कभी इसमें जो आते हैं पढ़ने के लिए तो छोड़कर चले जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे अगर 10 क्वेश्चन भी याद हो रहा है तो 10 क्वेश्चन को ही लेकर चलिए, ठीक है, इससे ज्यादा मत लेकर चलिए, 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए और उसको याद कीजिए, फिर उसको सुनाइए, ठीक है, फिर याद कीजिए, फिर सुनाइए, धीरे 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 आपका जो है जीके जीएस में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में वैसे कैंडिडेट जो कि नए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है 3 से 4 घंटे जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, नए मेंबर को। रही बात मैथ्स रीनिंग, तो वैसे बंदे, ठीक है, जो नए बंदे एकदम नए, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो तो 10+2 करके निकले हैं, यानी कि वहां पर वह अवकलन, ठीक है, ये सब पढ़ कर आए होंगे डीसी इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर उनको पढ़ना है अंकगणित, ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस पढ़ना है, तो उसका सेक्टर और इसका सेक्टर दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि एक कोई भी बुक्स ले लें या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और उसको प्रॉपर वे में कम से कम जो है इसमें भी 2 से 3 घंटे ध्यान दें, 2 से 3 घंटे ध्यान दें, ठीक है। अगर कंटिन्यूस शेड्यूल बना रहे हैं, चाहे कोई पर्व हो चाहे कोई त्यौहार हो, ठीक है, कोई भी स्थिति में बस 2 से 3 घंटे प्रॉपर वे से तैयार करें तो आई एम श्योर कि 1 साल में उनका रिजल्ट जो है संभव हो जाएगा, ठीक है। रही बात आगे रीजनिंग की, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त रीजनिंग का कि रीजनिंग अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो 15 से 20% रीजनिंग आपको ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है, जैसे ही देखिएगा आपका ऑलरेडी बन जाता है। रही बात आपका 80% की बात, तो 80% रीजनिंग को कवर करने के लिए या तो कोई भी किताब, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे बेस्ट किताब होता है रीजनिंग का, ठीक है, आपका रीजनिंग का सबसे बेस्ट किताब होता है अजय चौहान का एक रीजनिंग है, ठीक है, सबसे बेस्ट रीजनिंग होता है, आप उसको लीजिए और उससे बनाइए, नहीं फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप इसको कवर अप कर सकते हैं, बहुत कम समय में रीजनिंग कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। अब सब चीज क्लियर करने के बाद लास्ट में एक मुद्दा आता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि जब तक आप थ्योरी कीजिएगा तो थ्योरी से कुछ काम नहीं होने वाला फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अहमियत रखता है तो कौन, प्रैक्टिस से, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिस सेट मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ही जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दो स्थिति पैदा होती है, एक न्यू मेंबर के लिए और एक ओल्ड मेंबर के लिए, ठीक है। ओल्ड मेंबर तो पहले से ही समझे रहते हैं, ठीक है, चूंकि उनको समझाने का कोई जरूरत होता ही नहीं, लेकिन नए कैंडिडेट जो कि 10+2 करके आते हैं या फिर नए तैयारी करने वाले होते हैं, उनके दिमाग में एक तो बात चलती रहती है कि हम अभी प्रैक्टिस सेट क्यों मारे, क्योंकि मेरा तो ना मैथ्स क्लियर है, ना जीके जीएस क्लियर है और ना ही रीजनिंग क्लियर है, ठीक है। तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शुरू से ही प्रैक्टिस सेट को मारना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मानता हूँ कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, 100 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस ही बनेगा, ठीक है दोस्त, 1-2 नंबर आएगा तो सही, ठीक है, 2 नंबर से ही 4 नंबर हो सकता है, लेकिन 100 नंबर से 50 नंबर हो जाए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन 2 से 4 हो जाए ये सबसे अच्छी बात है। तो आपसे बस न्यू कैंडिडेट, वैसे जो न्यू कैंडिडेट हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ये चारों पैनल को मानकर चलिए, ठीक है, आप बहुत जल्दी सक्सेस के मोड़ पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, रही बात ओल्ड स्टूडेंट के लिए, तो ओल्ड स्टूडेंट तो खुद से समझदार होती है, वैसे स्टूडेंट जो कि मैथ जीके जीएस और इंग्लिश तीनों कवर कर लेते हैं, ठीक है, अब रह जाती है प्रैक्टिस सेट की तैयारी। उनके लिए मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट कम से कम जो है एक आप क्लास में सेट को सॉल्व कीजिए एट ए टाइम, एकदम शेड्यूल टाइम पे, ठीक है, और एक जो है आप होम पर कीजिए, ठीक है, यानी घर पर कीजिए, ठीक है, घर पर इसको प्रैक्टिस सेट कीजिए, यानी कि आपको जो है एक दिन में कम से कम 2 सेट मारना जरूरी होता है। और एक सेट में मैं बता दूं कि अगर आपका जो है, अगर आप रेलवे का सेट मार रहे हैं, आरआरबी का सेट मार रहे हैं, तो आरआरबी का सेट मारने में वहां मिलता है आपको 90 मिनट, तो यहां आपको कम से कम देना चाहिए तो 1 घंटा देना चाहिए, 1 घंटा सेट मारने में हो गया। अब सॉल्यूशन यानी कि उसको मिलाने के बाद डिस्कशन करते करते करीब करीब आपका 1 घंटा और हो जाएगा, यानी 2 घंटा में आपका ऑल सेट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपने दिया कितना घंटा, 2 घंटा, ठीक है, क्लास में। अब होम की बात आई, तो होम में प्रैक्टिस सेट कब मारी मैं बताता हूँ। सबसे बेटर उपाय होता है कि आप जब रात्रि के समय जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे का एक पैनल बनाइए, ठीक है, और 9 से 11 में सेट मारिए और सेट मारकर आराम से सो जाइए, ठीक है। फिर हो सके तो जो ऐसे लोग जो मॉर्निंग में जगकर जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो सबसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आप मॉर्निंग में जगना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मॉर्निंग में जगेगा तभी याद होगा, माइंड जो है 24 घंटा में एक बार एक्टिव रहता है, जो आपको पढ़ने का मन करे पढ़िए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर इस सिचुएशन से, इस मॉडल से चारों तैयारी कीजिएगा तो हम श्योर करते हैं कि 1 साल से 1.5 साल में, मतलब मिनिमम से मिनिमम में आपका सक्सेस संभव हो ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ इस वीडियो का आनंद ले पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।